हाँ बच्चों, बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। हाँ बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने अपना अगला अध्याय विद्युत रसायन स्टार्ट कर लिया है बच्चों, जिसके अंतर्गत मैंने आपको चालक, ठीक है, चालक के प्रकार और उसके उदाहरणों से पूरा एक संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दे दी थी। बच्चों, हमने आज जो टॉपिक लिया है वो है हमारे चालक की चालकता। बच्चों, हमको सबसे पहले किसी चालक की चालकता को समझना है कि किसी भी चालक की चालकता से हमारा क्या संदर्भ होता है, हम क्या समझना चाहते हैं या इससे हमको क्या जानकारी प्राप्त होगी। तो बच्चों, चलिए चलते हैं जल्दी से और समझते हैं किसी चालक की चालकता के बारे में। बच्चों, वैसे तो जो चालक की चालकता है वो बहुत ही साधारण सा डेफिनेशन है, तो मैं सीधा आपको चालकता के बारे में बता देता हूं, फिर थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करूंगा। बच्चों, ऐसा कहा जाता है किसी चालक के प्रतिरोध, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम को उसकी चालकता कहते हैं। तो बच्चों, बहुत सिंपल सी और बहुत संक्षिप्त सी परिभाषा है। हमने कहा कि किसी भी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी चालकता कहते हैं। तो बच्चों, यहां पर यह समझने का एक महत्वपूर्ण भाग है कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है, हम किसी चालक के प्रतिरोध को क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर। बच्चों, फिर मैं उसके व्युत्क्रम को क्या मान लेता हूं, वन अपॉन कैपिटल आर, यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम। ठीक है, तो पहले हमने प्रतिरोध को आर माना और उसके व्युत्क्रम को क्या माना, वन अपॉन आर। तो हमने बोला प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वो क्या है बच्चों, उसकी वो उसकी चालकता है। तो हम यहां पर चालकता को क्या मान लेते हैं, कैपिटल सी मान लेते हैं। तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं बच्चों, चालकता बराबर 1/ प्रतिरोध। ठीक है ना, प्रतिरोध का व्युत्क्रम है 1/ प्रतिरोध, वो चालकता के बराबर है। चालकता को मैंने सी माना, प्रतिरोध को क्या माना बच्चों, हमने आर माना। तो इस तरह से ये हमारे पास बहुत छोटा सा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ सकता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, किसी चालक की चालकता कह सकते हैं। बच्चों, यहां पर ये जो एक डेफिनेशन आपके सामने आई, ये चालकता की एक बहुत साधारण सी परिभाषा है जो पुस्तकों में प्रचलित है। ठीक है, लेकिन अगर वास्तविक रूप से हम इसको समझें तो बहुत बेहतर होगा। तो चलिए इसके वास्तविक स्वरूप को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। बच्चों, मैं आपको सबसे पहले चालक के बारे में बताना चाहूंगा। चालक की बनावट, ठीक है, चालक की बनावट, या मैं कह दूं प्राप्ति स्रोत, ठीक है ना, प्राप्ति स्रोत के अनुसार, ठीक है, चालक की बनावट या प्राप्ति स्रोत के अनुसार अगर बच्चों मैं चालक के प्रकार की बात करूं, ठीक है, तो हम समझेंगे कि चालक दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के चालकों में एक होता है बच्चों शुद्ध चालक, और दूसरा महत्वपूर्ण कारक, या सॉरी, दूसरा महत्वपूर्ण चालक जो है वो है अशुद्धि युक्त।
चालक, ठीक है, शुद्ध चालक या अशुद्धि युक्त चालक। अब यहां पर महत्वपूर्ण चीज है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो चालक है वो कब शुद्ध चालक होगा और वो कब अशुद्ध चालक होगा। हम जैसे ही इस पर बात कर लेंगे, हम एक डेफिनेशन के अंतिम पड़ाव पड़ाव पर पहुंचेंगे। तो चलिए शुद्ध चालक की बात करते हैं। शुद्ध चालक, बच्चों बहुत अच्छी तरह से याद रखिए, यदि आप किसी चालक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम किसी चालक को प्राप्त करते हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं हम किसी चालक को बनाते हैं, ठीक, इस तरह की हम बात कर रहे हैं। यानी हमको कुल मिलाकर एक चालक को क्या करना है, डिटेक्ट करना है। तो जब उस चालक को बनाया गया है या उस चालक का निर्माण किया गया है या वो चालक हमको प्राप्त हुआ है, तो जो चालक है हम ये देखेंगे कि उसको बनाने में, उसको बनाने में जो मौलिक कण है, मौलिक कण है ना, जैसे कि अणु, जैसे कि परमाणु, जैसे कि आयन। तो बच्चों ये मौलिक कण क्या एक ही प्रकार के हैं, एक ही प्रकार के हैं क्या ये, अर्थात क्या ये सभी समान हैं? कहने का तात्पर्य क्या है इसको समझिए बच्चों। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये एक चालक छड़ है, ठीक है, और ये कॉपर है, ठीक है, अगर ये एक चालक छड़ और ये कॉपर है, तो बच्चों कॉपर की ये छड़ चालक के असंख्य परमाणुओं से मिलकर बनी होगी, है ना। उस छड़ को बनाने में जितने भी परमाणु प्रयुक्त हुए होंगे वो सभी केवल कॉपर के हैं, इस तरह से देख रहे हैं आप, इस तरह से उसके अंदर प्रत्येक परमाणु या प्रत्येक जो अणु भी हो सकता है, ठीक है, आयन हो सकता है, पर वो एक ही प्रकार के होंगे। अगर अणु है तो सभी अणु होंगे पर कॉपर के ही होंगे, परमाणु है तो सभी परमाणु होंगे पर कॉपर के ही होंगे, आयन है तो सभी आयन ही होंगे पर वो कॉपर के ही होंगे। तो बच्चों इनमें ये समरूपता होती है कि वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर जब किसी चालक का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो बच्चों इस तरह से जो चालक निर्मित होगा, इस तरह से जो चालक बन जाएगा, इस चालक को हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे बच्चों शुद्ध चालक। क्लियर हो गई मेरी बात, ये शुद्ध चालक होगा। आपको समझना है कि जब आपका चालक शुद्ध होगा, ठीक है, तो शुद्ध चालक की जो चालकता होगी वो कैसी होगी बच्चों, वो होगी सर्वाधिक। आप अपने दिमाग में ये चीज बिठा लीजिए कि शुद्ध चालक की जो चालकता होती वो कैसी होती है, सर्वाधिक होती है। यानी उनमें चालकता को प्रदर्शित करने का गुण जो है वो सबसे अधिक होता है, ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आई, ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों। इसके बाद अशुद्ध चालक पर मैं आपसे बात करूंगा, हम समझेंगे अशुद्ध चालक क्या होते हैं। अशुद्ध चालक बच्चों फिर वही चीज, यदि हम किसी अशुद्ध चालक का निर्माण कर रहे हैं, हम उसको प्राप्त कर रहे हैं, हम उसको बना रहे हैं, ठीक है, एटसेट्रा, किसी भी माध्यम से हम उस चालक के संदर्भ में जानकारी चाहते हैं, तो बच्चों ये जो चालक होते हैं, इन चालकों में जो हमारे मौलिक कण है ना, मौलिक कण, वही चीज मैंने आपको बताया, जैसे कि अणु, परमाणु, मौलिक कण की बात कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं किसकी, मौलिक कणों की, ठीक है, मौलिक कण में अणु, परमाणु,
आयन। ठीक, मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो बच्चों, ये जो अणु परमाणु आयन है, उदाहरण के द्वारा देखेंगे तो अगर मैं फिर से एक आकृति आपके सामने रखूं और मैं बोलूं, मान लीजिए ये कोई चालक है। तो बच्चों, इस चालक में भिन्न प्रकार के है ना, मान लो कि ये चालक जो है वो आयरन का है। ठीक है, तो इसमें आयरन के असंख्य अणु परमाणु या आयन हो सकते हैं। ठीक है, और ये इस तरह से बना हुआ होता है। अब आप बोलोगे, सर ये भी तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो अभी आपको मैं वही चीज दिखाने वाला हूं। यहां पर जो थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा, वो चेंज क्या होगा उसके आधार पर हम इसको समझेंगे। तो बच्चों, अगर इस तरह से हम अपने चालक का निर्माण करते हैं, अब मान लो बच्चों ये पूरा का पूरा एक आयरन का चालक था। पूरा चालक जो था वो आयरन के अणु परमाणु या आयनों से बना था, पर बीच बीच में उसमें कुछ दूसरे प्रकार के जो कण थे, अणु परमाणु या आयन, वो भी आकर क्या हो गए थे, समा गए थे। आ रही है बात समझ में? इस प्रकार तो हम कह सकते हैं कि इस चालक में केवल एक ही प्रकार के नहीं, वरन कई भिन्न प्रकार के मौलिक कण भी हो सकते हैं। और फिर हम ये देखेंगे कि उस चालक में एक ही प्रकार के जो मौलिक कण हैं, ठीक है, जैसे आयरन है तो आयरन के मौलिक कण का प्रतिशत क्या ज्यादा है, जो अन्य कण है क्या उनका प्रतिशत कम है। तो जिनका प्रतिशत बच्चों कम होगा, वो एज अ अशुद्धि के रूप में उस चालक के अंदर क्या हो जाएंगे, बिहेव करेंगे, व्यवहार करेंगे। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्रकार की क्या हो जाएगी, अशुद्धि, ये एक तरह की अशुद्धि हो जाएगी। और इस अशुद्धि का काम क्या होगा, इस अशुद्धि का काम होगा बेटा, इस अशुद्धि चालक में क्या करेंगे, जब हम चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, हम जैसे ही चालक में विद्युत धारा क्या करेंगे, प्रवाहित करते हैं, तो हम देखते हैं कि विद्युत धारा का कुछ मान है ना, विद्युत धारा के कुछ मान को ये अशुद्धि क्या करेंगी, ये बहने से रोकेंगी है ना, रोकती है, ठीक, उसको डिस्ट्रैक्ट करती है, उसमें रुकावट उत्पन्न करती है। आ रही बात समझ में मेरी? और यही वजह है कि इन अशुद्धियों के द्वारा धारा के जितने मान को रोका जाएगा, उसको हम बोलेंगे उसका, उसको हम बोलेंगे उसका प्रतिरोध। क्या बोलेंगे बच्चों? उनका प्रतिरोध बोलेंगे। आ रही है मेरी बात आपको समझ में? ठीक, बहुत अच्छे से इसको समझ के रखिएगा। तो मैं आपसे कह रहा था कि जैसे ही आप देखेंगे कि चालक में मौजूद अशुद्धियां विद्युत धारा के कुछ मान को क्या कर लेंगी, रोक लेंगी अपने अंदर, और उनको वो प्रवाहित होने से डिस्ट्रैक्ट करेंगी, रोकेंगी, वो जितनी धारा के मान को रोकेंगी उसको हमने क्या बोला, उसका प्रतिरोध। तो बच्चों, विद्युत धारा में आपको ये समझ में आया कि चालक के अंदर एक्चुअली में क्या होता है, स्वयं का प्रतिरोध, जो किसके कारण उत्पन्न हुआ, अशुद्धियों के कारण। हमने तो चालक में धारा डाली, वो अशुद्धियां धारा के मान को क्या कर लेती है, अपने अंदर रोक लेती हैं। और जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको चालकता की डेफिनेशन में बताया कि किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हमने क्या बोला, उसकी चालकता। तो वास्तव में बच्चों, चालक चालकता का जो एक वास्तविक अर्थ है वो ये है कि जब हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो उस चालक से विद्युत धारा कितनी मात्रा में प्रवाहित होगी, उस चालक का क्या सामर्थ्य होगा, वो अपने में से कितनी धारा को बहने देगा, इसकी सामर्थ्य का मापन हम उसकी चालकता से करते हैं। लेकिन जब हम इसकी गणना करते हैं, तो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम उसकी चालकता कहते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो बच्चों, इस तरह से हमने चालकता के संदर्भ में जानकारी ली। टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूं, एक मिनट का समय लेकर इसको खत्म करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारा टॉपिक था चालक की चालकता। तो बच्चों, मैं आपको बताने जा रहा हूं चालकता के प्रकार, चालकता के प्रकार।
तो बच्चों बहुत अच्छे से समझिए, चालकता साधारणता रासायन शास्त्र में हम तीन प्रकार की चालकता देखते हैं। बच्चों सबसे पहली जो चालकता है वो कहलाती है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता बच्चों दूसरी जो है वो कहलाती है मोलर चालकता, और इसका तीसरा महत्वपूर्ण जो अंश है वो है तुल्यांकी चालकता। तो बच्चों हमारे पास ये प्रमुखता से तीन प्रकार की चालकताएं होती हैं, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। तो बहुत जल्दी हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे और मैं आपको इन चालकताओं की भी जानकारी दूंगा। ठीक है, बाय बाय।